नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी। आप देख रहे हैं आर्ट बालाघाट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यहां पर मैंने एक फ़ोटो लिया है, यहां पर मैं एक टेक्स्ट टाइप करके दिखाने वाला हूं, हाउ टू टाइप हिंदी टेक्स्ट इन फोटोशॉप 7.0। कुछ लोगों ने कमेंट किया था और हमारा एक मित्र हैं, उन्होंने एक चीज़ करी थी कि अभी रेगुलर में वो फोटोशॉप 7.0 में वर्क कर रहे हैं, सीख रहे हैं। उनके पास कोई पासपोर्ट फोटो बनाने आया होगा तो उनको टेक्स्ट टाइप हिंदी में करना नहीं आ रहा था, तो उनने मुझसे सवाल किया। वो कहीं और रहते हैं इसलिए मैं वहाँ से उनको नहीं बता सक रहा था कि कैसे करना है। बताया मैंने लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए मैं यहाँ पर एक वीडियो बना दे रहा हूँ स्पेशली ताकि उनको ये चीज़ समझ में आ सके और हम लोग भी एक दूसरे को समझा सके। हो सकेगा कि यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ों को सीखने वाले होंगे तो वो भी इस चीज़ को ध्यान दे सकते हैं। तो ये चीज़ देखेंगे कैसे कैसे काम करती है और क्या क्या चीज़ें होगी इसमें। तो बने रहिए आप हमारे साथ, और अभी तक आपने हमारा चैनल आर्ट बालाघाट का सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर फोटोशॉप से रिलेटेड वीडियोस आप सभी लोगों के लेके आते रहता हूँ। सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा दी जाने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। यहाँ पर मैंने फोटोशॉप ओपन कर लिया है, उससे पहले आपको फॉन्ट्स डाउनलोड करना होता है। गूगल में आएंगे, यहाँ पर कृति देव 10 करके डाउनलोड करेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से 1, 2, 3 जो भी चाहे, मैं ये वाली वेबसाइट खोल के यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट आ गया है। जैसे मैं देखेंगे यहाँ एक फॉन्ट है और ये कैटेगरी 3D है और ये 1 फाइल है इसके अंदर में। जैसे डाउनलोड में क्लिक करूंगा ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी इस तरह की जिप फाइल। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद में यहाँ से एक्सट्रैक्ट है मैं क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसको यहाँ पर इंस्टॉल में क्लिक करूंगा, जैसे वैसे ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, या फिर इसको प्रीव करूंगा मैं तो यहाँ पर भी एक इंस्टॉल का बटन है, इंस्टॉल में क्लिक करूंगा तो देखेंगे ऑलरेडी इंस्टॉल है बोल रहा है, एक बार और कर लेते हैं। बस ये चीज हो गई और इंस्टॉल होने के बाद अपने आप ही फोटोशॉप में आ जाएगा। अब ये फोटोशॉप ओपन कर लेता हूं मैं, यहां से इसको सबसे पहले इस वाले टूल में आने के बाद रिसेट करूंगा इस टूल को, ताकि जो चीज हम टाइप करना चाह रहे हैं, जो चीज मुझे चाहिए है, वो चीज सही तरीके से काम कर जाए। देखूंगा यहां पर कोई अगर प्रॉब्लम होती तो लाइव आपके सामने करूंगा, हो सकता है यहां प्रॉब्लम आ जाए। किस लिए आएगी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं यहां पर तुरंत में इंस्टॉल किया है फॉन्ट और तुरंत में ये सारी चीज कर रहा हूं, इसीलिए हो सकता है। यहां से इसको रिसेट करूंगा बस, और यहां से सिंगल क्लिक में फोटो लेके ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहां पर आ जाऊंगा। जरूरी नहीं कि इस फोटो ही में हमको बनाना है, यहां पर मैं 1.2-1.4 का एक साइज लूंगा पासपोर्ट वाला, और यहां पर इसी चीज के लिए बनाना था इसीलिए मैं यहां पर ये चीज शेयर कर रहा हूं। ये हो गया, और यहां से ये अब यहां एक टाइप करना है मेरे को, तो यहां पर मैं सबसे पहले यहां पर ऑटो कंट्रोल्स में क्लिक कर देता हूं, ये वाला एक टूल लेंगे यहां से, और यहां पर डिलीट का बटन दबा दूंगा मैं, इतना यहां पर सिलेक्शन बनाए और डिलीट का बटन। याद रहे सिंगल लेयर पे वर्क कर रहे हैं, लेयर लाना है तो यहां से आप लेयर ला सकते हैं। डिलीट का बटन दबा के हो गया, अब यहां से हमको हिंदी में लिखना है यहां पर कोई भी रेंडमली नाम, तो यहां सर्च करना है KRU, तो देखेंगे कृति देव आ गया है। अब यहां पे नंबर 10 वाला चाहिए मेरे को, 10 में क्लिक करूंगा, यहां 12 ही रहने देने वाला हूं, यहां पर यही ठीक है, बाकी सब फंक्शन ठीक ही है। यहां पर क्लिक कर देता हूं, लिख देता हूं यहां पर जो भी नाम इनका होगा, नाम नहीं है यहां पर तो मैं कुछ और चीज लिख दूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी नाम लिखने वाला हूँ, लेकिन मैं जो नाम लिख रहा हूँ वो नाम मुझे काफी बेहतर तो नहीं लग रहा है, पर ठीक है जो भी मुझे लगता है वो मैं देख लूंगा, या फिर मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखूंगा। ये हमने अपने चैनल का नाम लिख दिया, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं, अगर इसको बीच में सेट करना है उसके लिए यहाँ पे कंट्रोल ए, और उसके साथ यहाँ पर बीच में सेट हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और मेरे को इस वाले लेयर पे आके थोड़ा सा डिलीट करना होगा ताकि क्लियर दिखाई दे ये वाला लेयर। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड करूंगा, बोल्ड करने के लिए यहाँ से आएंगे और ये बोल्ड में क्लिक कर देंगे, ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब बताएंगे अगर किसी प्रकार की इस चीज में प्रॉब्लम होती होगी तो यहाँ पर बताओ मेरे को कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी। अब मान लो अगर इसको पासपोर्ट में बनाना है, बना तो लिया आपने, यहाँ से एक नया पेज लिया और न्यू में ले गए और इसको मूव करा के लेके आएंगे, ये तो सिर्फ फोटो ही आई, वो चीज तो नहीं आई जो चीज चाह रहे थे आप लोग, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि टेक्स्ट भी नहीं आ पाया, तो यहाँ से या फिर इसको लिंक कर लेंगे, आप ध्यान से देखेंगे ये टेक्स्ट जो है एक अलग है, तो यहाँ से लिंक कर लेंगे या फिर इसको मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के लिए यहाँ से फिट एन इमेज, ठीक है, और अब मूव कराएंगे तब नाम लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ एक स्टॉक भी लगा देता हूँ थोड़ा सा, मैं देखेंगे ये नाम लिखा रहा है
और यहाँ से इसकी कॉपी बना के यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। तो ये बिल्कुल सरल था, बिल्कुल आसान था, लेकिन ऐसा है कई लोगों को चीजें नहीं समझ में आ पाती है, इसलिए उन्होंने मुझसे सवाल किया होगा। तो जरूरी यार कि जवाब दे दिया मैंने उनको, एक ट्यूटोरियल ही बना दिया कम्प्लीटली मैंने। यहाँ से टेक्स्ट बनाने के बाद में, यहाँ से आप टेक्स्ट लिखने के बाद में इस तरह से कुछ सेट कर पाएंगे इस चीज को। तो यार कैसा लगा ट्यूटोरियल कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आर्ट बालाघाट को। कोई भी परेशानी अगर इसमें होती होगी तो मुझे कमेंट करके बता दो। फॉन्ट्स की हो सकती परेशानी, तो हिंदी फॉन्ट बहुत सारे मिल जाते हैं, गूगल करेंगे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल नहीं देने वाला हूं, क्योंकि आपको सिर्फ गूगल में ये टाइप करना है और अपने आप ये डाउनलोड के बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट 500 टाइप की आ जाएगी। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर मुझसे बात करना चाहते हो किसी भी प्रकार के सवाल जवाब के लिए तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ। हिंदी में पढ़ना चाहते हो फोटोशॉप के बारे में तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम।